जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन अब ई हॉस्पिटल के तहत मरीजों का उपचार करने जा रहा है, जिसके तहत मरीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उन्हें अस्पताल द्वारा समय दिया जाएगा। उसी समय पर वह अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज करा सकेंगे। इससे जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ में कमी होगी तथा मरीजों को भी समय का लाभ मिलेगा, जिसको देखते हुए शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने जिला विज्ञान प्रौद्योगिकी अधिकारी रीता गाड़िया एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव के साथ जिला अस्पताल के ओपीडी और पैथोलॉजी का निरीक्षण किया और ई हॉस्पिटल के लिए किए जा रहे व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मानव संसाधन की कमी को देखते हुए जिला अस्पताल में ई हॉस्पिटल की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत मरीजों को समय का लाभ मिलेगा तो ओपीडी में भी मरीजों की भीड़ में कमी होगी। इस दौरान जिला अस्पताल में कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार, वीके सुमन सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, ई हॉस्पिटल के संबंध में आज हम लोग NIC की मैडम गाड़िया के साथ ये देख रहे थे कि हमारी कई जगह केबल्स कट गई हैं। पहले ये हॉस्पिटल हमारा चलता था, मानव संसाधन विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। तो मानव संसाधन ना होने की वजह से वो व्यवस्था हमारी कम हो गई थी। बार बार लिखा पढ़ी SIC महोदय के द्वारा किया गया ऊपर, तो कुछ मानव संसाधन मिला जिससे कि हम कुछ जगहों पे अपनी वो व्यवस्था चालू किए हुए हैं। जैसे हमारी पर्चियां ई सिस्टम से ही बन रही हैं ई जिला अस्पताल की, और एक दो जगह और वो कार्य हो रहा है, जैसे जहां हमारा पैसा जमा होता है या जो हमारी रिपोर्टिंग सिस्टम है उन जगहों पे है। पर अन्य जगहों पे जहां चलता था वो नहीं है, उसमें कई चीज़ें हैं, उन्हीं का आकलन किया जा रहा है कि कौन सी चीज़ किसके स्तर से सुधर सकती है, कहां हमें शासन से धन की आवश्यकता पड़ेगी, वो करके हम इस व्यवस्था को फिर से चालू करना चाहते हैं। अगर हमें मैन पावर और जो भी फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाते हैं तो हम ई सिस्टम ई हॉस्पिटल अपना गोरखपुर का फिर से शुरू करने के संदर्भ में ही हम और SIC महोदय और NIC के एक्सपर्ट मैडम गाड़िया के साथ निरीक्षण कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने TrueNet मशीन का भी निरीक्षण किया कि हम वहाँ टेस्टिंग जो कैपेसिटी है हमारी उसको हम फुल स्विंग में कैसे इस्तेमाल करके अधिक से अधिक टेस्टिंग कर सकें, उसके लिए जो भी मैन पावर चाहिए या जो भी अन्य चीज़ें चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन करके हम दोनों आपस में मिलकर उसको तय कर लिए हैं और उसी संदर्भ में आज हमारा निरीक्षण।